हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीज स्पेशल सत्तू का पेड़ा। आपने तो सत्तू का लड्डू बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप बनाइए सत्तू का पेड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के हम पेड़ा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एक कप लिया है, तो इसमें हम सबसे पहले आटा लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे आधा कप आटा लिया है। ये जो रेगुलर वाले आटे होते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वही वाला हमने लिया है। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई हमारा हल्का सा गर्म है, तो इसमें हम डायरेक्ट आटा डालेंगे, घी और तेल वगैरह ये सब नहीं डालेंगे। और आटे को अब हम रोस्ट कर लेंगे, और जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम इसी कप से लेंगे। तो अभी हम आटे को लो फ्लेम पे 15 से 20 सेकेंड तक रोस्ट कर लेंगे, यानी कि जो आटे का टेस्ट आता है ना उसे हम निकालेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, नहीं तो आटा हमारा नीचे से जल जाएगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 15 से 20 सेकेंड हो गया है, आटे को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे घी, ये घर का घी है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इसे हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, तो इसे भी लो फ्लेम पे ही मिक्स करना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसमें टोटल 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो इसे हम घी को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो घी डालने के बाद हम आटे को 1 से 1.5 मिनट हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सत्तू। तो सत्तू हम इसमें 1 कप डालेंगे। तो हमने यहाँ पे आटा लिया था आधा कप, और सत्तू हम लेंगे इसमें 1 कप। तो आटा भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, और सत्तू तो ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसको रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 से 15 सेकेंड लगेगा। तो 10-15 सेकेंड में हमारा जो सत्तू है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्तू हमारा कच्चा नहीं है, रोस्टेड है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 10 से 15 सेकेंड हो गया है, तो हमने गैस ऑफ कर दिया और सत्तू भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अभी हम इसको स्टैंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्टैनर लिया है, इसमें हम सत्तू को डालकर अच्छे से स्टैंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी लम्स रहेंगे और जो भी कचरा रहेगा वो स्टैनर में छन जाएगा। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, और छानने से क्या होगा कि हमारा जो सत्तू है वो उसमें एयर भर जाता है, और एयर भरने के कारण घी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और घी जब एब्जॉर्ब करता है ना, तो सत्तू का जो पेड़ा है एकदम सॉफ्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो ये लीजिए, हमने सत्तू को छान लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर हमने यहाँ पे आधा कप लिया है, यानी कि जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमने मिल्क पाउडर लिया है। तो इसको भी हम स्टेनर में डाल लेंगे। और इसी के साथ में हम लेंगे शक्कर। तो हमने यहाँ पे पिसा हुआ शक्कर का पाउडर लिया है। तो शक्कर का पाउडर हम इसमें 2 कप से थोड़ा सा कम लेंगे, और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो ऑलरेडी मीठा रहता है, तो मिल्क पाउडर हमने आधा कप लिया था, इसीलिए हमने शक्कर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। और शक्कर हमारा पिसा हुआ है, तो इसको जब हम छानेंगे तो थोड़ा उड़ेगा, पिसा हुआ शक्कर हवा में बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो इसीलिए इसको हम एकदम आराम से धीरे धीरे छानेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी में छाने लगे तो हमारा सारा शक्कर उड़ जाएगा हवा में, यानी कि सारा नहीं उड़ेगा पर लेकिन आधा तो उड़ ही जाएगा शक्कर, इसीलिए इसको आराम से छानेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और ऐसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसको छानना है, क्योंकि इसमें का जो भी लम्स है शक्कर में का वो टूट जाए और अच्छे से छन जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे शक्कर को और मिल्क पाउडर को छान लिया है, और ये देख रहे ना इसमें शक्कर के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो अच्छे से नहीं पिसे वैसे ही हैं। तो इसको अब हम अलग हटा देंगे, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे, और एकदम आराम से धीरे धीरे मिक्स करना है, और इसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये देख रहे हैं ना एकदम बढ़िया सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको
उसी कढ़ाई में डाल लेंगे जिसमें हमने सत्तू को भून कर रखा था ना, उसी में डाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म है। और अब हम इसमें डालकर सत्तू को अच्छे से चारों तरफ से हाथों से दबाते हुए एकदम बराबर कर लेंगे। और इसको अब हम एक बर्तन से ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि चीनी गर्म के कारण अपना पानी रिलीज कर देगा, और जब पानी रिलीज करेगा तो सत्तू में थोड़ा सा नमी आ जाएगा। तो इसको हमने ढक दिया है और अभी हम इसे साइड में हटा देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम लिया है, तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया और इसमें हम मात्र थोड़ा सा घी डालेंगे, यानी कि 10-12 बूंद हम घी डालेंगे। और इसको अब हम रोस्ट कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। तो इसे हम लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे और ज़्यादा देर इसको रोस्ट नहीं करना है, मात्र 1 से 1.5 मिनट लगेगा रोस्ट करने में। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको रोस्ट कर लिया है, देख रहे ना इसका कलर एकदम बढ़िया कलर आया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे, यानी कि बारीक बारीक काट लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है। तो एक बार हम सत्तू को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा नमी आ गया, यानी कि जो शक्कर था ना वो अपना पानी रिलीज कर दिया था और उससे सत्तू में नमी आ गई। ये देखिए बाइंडिंग भी होने लगा है ना थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम इसको पहले एक बार मिक्स कर ले रहे हैं हाथों से, और अब हम इसमें डालेंगे बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स है उसे हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इससे घी। तो घी हमने यहाँ पे 1 कप लिया है, जो मेजरमेंट वाला कप था ना उसी कप से हमने घी लिया है। तो घी हम इसमें एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे कि घी जो है वो अच्छे से सत्तू में रेसे रेसे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में नहीं डालना है, और इसको हम मिक्स करते भी रहेंगे। और ये लीजिए, ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगभग आधा से अधिक घी डाल लिया है, और थोड़ा सा घी बचा है तो उसे भी हम साइड में हटा देंगे और इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका सबसे पहले लड्डू बनाकर देखते हैं कि लड्डू हमारा अच्छे से बन रहा है या नहीं। तो ये देखिए लड्डू हमारा अच्छे से बन जा रहा है। तो इसको अब हम थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे, ये थोड़ा सा दबाने पे ये फट जा रहा है। तो मात्र यानी कि इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे, इसमें घी की मात्रा थोड़ा सा कम है। तो हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, टोटल हमने इसमें 250 ग्राम घी डाल दिया है। पहले भी हमने 2 चम्मच घी डाला था सत्तू को रोस्ट करते समय। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 इलायची, इसको हमने अच्छे से कूट लिया है। तो इस पे का जो छिलका है उसको हम हटा लेंगे और ये जो बीज है ना उसको हम डालेंगे। तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसी के साथ में डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, जिसको हमने रोस्ट करके रखा था ना उसको अब हम डाल देंगे। इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या इसको दरदरा पीस भी सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स डालें किसी भी मिठाई में तो उसको हल्का सा रोस्ट करके डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमने इसको इसीलिए रोस्ट किया, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा ये सत्तू लेंगे और इसको अब हम पहले लड्डू बनाएंगे, यानी कि गोल करेंगे एकदम हल्का सा। और अब हम इसको लंबे शेप में दे देंगे, ये लीजिए हमने इसका देख रहे हैं ना पेड़ा बना लिया, ये बहुत ही बढ़िया बना है। तो अब हम इसको शक्कर के पाउडर में, आप चाहे तो यहाँ पे भूरा भी ले सकते हैं या कोकोनट का गुरादा भी ले सकते हैं। तो इसको हमने शक्कर के पाउडर में अच्छे से गोट कर दिया है और ये लीजिए देख रहे ना एकदम बढ़िया हमारा पेड़ा बना है। तो ऐसे ही हम सारे सत्तू का पेड़ा बना लेंगे, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट इसका शेप लंबा भी दे सकते हैं। और इसको अब हम शक्कर में ऐसे गोट कर देंगे और अब हम इसको थोड़ा सा इस हथेली पर लेकर ऐसे घुमा देंगे, तो इससे जितने भी एक्स्ट्रा शक्कर के पाउडर रहेंगे ना वो झड़ जाएंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पेड़ा बन के रेडी हो गया है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही करके सारे पेड़े को बना लिया है, देख रहे हैं ना, वाह बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पिस्ता लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं,
बादाम का कतरन भी ले सकते हैं, काजू का कतरन ले सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। आप यहाँ पे चाहे तो सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं इसको। और ये हमारा सत्तू का पेड़ा बनके रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए, देख रहे ना, एकदम सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, इसी तेज पे बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही सबको पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तेज पे बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा बना है। और जितना हो सके उतना अपने पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।